तनाव जारी है। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। जी आपको बता दें, तनाव का आलम यह है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत की सेना फिर एक बार आमने सामने है। भले ही चीन ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है, मगर अब भारत भी पीछे नहीं रहने वाला। भारत ने भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है और इसने चीनी सेना के बराबर अपनी सेना तैनात कर दी है। इस कदम के साथ ही भारत अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है कि अब वह चीन से जारी गतिरोध से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं है। भारत अब गतिरोध से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके में चीन के साथ गतिरोध से अब पीछे न होने का फैसला कर लिया है। कोरोकरम दर्रा और इस क्षेत्र में तैनात चीनी सैनिकों के मुकाबला करने के लिए भारत ने सैनिकों को तैनात कर दिया है। यह जानकारी इस मामले से परिचित लोगों ने नाम न जाहिर होने की शर्त पर दी। बता दें कि बीते दिनों चीन ने यहां वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया था और भारतीय सैनिकों से झड़प की थी। भारत ने कस ली है कमर। सूत्रों की माने तो भारत ने यह फैसला भारतीय क्षेत्र में किसी भी तरह की चीनी घुसपैठ और भारतीय इलाके में स्थिति परिवर्तन की कोशिशों का नाकाम करने के उद्देश्य से लिया है। मजबूती और संयम के साथ चीनी चुनौती के सामना करने के लिए ही भारत ने अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया हालात का जायजा। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई। पीएम ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी और पेंगोंग की झील इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति का आलंकन करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा विभाग के प्रवक्ता जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की। सीडीएस रावत ने लद्दाख में पीएम मोदी के सैन्य स्थिति से अवगत कराया और स्थिति को संभालने का सुझाव दिया। बातचीत जारी रही मगर तनाव बरकरार रहेगा। सूत्रों ने कहा, पर्दे के पीछे स्थिति समान करने की कोशिश हो रही, लेकिन भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अपना कदम पीछे नहीं खींचेगा। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच करीब 20 दिन तक चले गतिरोध के मद्देनजर भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में अपनी मौजूदगी उल्लेखनीय ढंग से बढ़ाई है और यह संदेश दिया कि भारत चीन के किसी भी आक्रामक सैन्य रूप के आगे रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सौर न्यूज इंडिया। सौर न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।